रविवार को पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज फेडरेशन गोरखपुर यूनिट का 8वां त्रैवार्षिक सम्मेलन विजय चौक स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रमुख रूप से सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के पेंशन अपडेशन और 1986 के पूर्व के सेवानिवृत्त की एक्स ग्रेशिया बढ़ाने पर चर्चा हुई और यह तय किया गया कि अगर सभी मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सभा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें चेयरमैन पीआर मिश्रा, अध्यक्ष एसपी पांडे, सचिव वीपी श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष आरएन विश्वकर्मा चुने गए, जिसके संबंध में एआईपी एनबीआरएफ के महामंत्री मित्रा वासु ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से एक मुहिम शुरू किया जा रहा है जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन न मिलने से 2.5 लाख करीब बैंकों के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक परेशान हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एआईपी एनबीआरएफ के महामंत्री मित्रा वासु ने कहा, बुलाना चाहते हैं अब आज की सभा के अध्यक्ष माननीय एसपी पांडे जी आया हुआ है। ये संगठन क्या है? मेंबर्स पे आसीन इसके पहले के सेटलमेंट से आप देख लीजिए, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन घट जाती है। क्या ये सही है? कुछ हमारे साथी बताएंगे क्या उनकी पेंशन घटी है कि नहीं घटी, बहुत से घटी हुई है। और मिला क्या है? अब अभी आप उसका जवाब क्या आएगा? इनकैशमेंट तो आपको मिल गया है ना, कहने में मजा आता है। हम लोग चाहते हैं हम लोग साथी बन करके आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। बहुत सी बातें भाई दुबे जी, शायद दुबे जी नाम है, दुबे जी ने कही है और मैंने राजीव जी बोले, वसु जी आप बोलेंगे, मैंने कहा हाँ, अगर आप कह रहे हैं बोले हाँ बोलेंगे तो मैं बोल सुन करके फिर मैं जाऊंगा। मैंने अपने आप को चेंज किया, हालांकि मैं चाहता था सबसे बाद में बोलूं। अभी बहुत सारी बातें योगी जी ने कही और आपको लगा अच्छी बातें हैं, काली भी बदनी चाहिए, लेकिन मैं जो मेन इशू लिया गया पेंशन अपडेशन, मैं उसके ऊपर सबसे पहले बोलना चाहता हूँ। साथियों आपको याद है या सुना है आपने, इतिहास अब तो आम हो गया है कि 1995 में ऑल इंडिया बैंक रिटायरिंग फेडरेशन का कांग्रेस रमेश चंद्र चक्रवर्ती जो कभी एआईबी के लीडर रहे थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसका जन्म किया और वहां उन्होंने कुछ शब्द लिखे। सबसे पहला था इट विल बी एन इंडिपेंडेंट पार्टी। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी ग्रुप, किसी संस्था, किसी एसोसिएशन से एफिलिएट नहीं है। हम लोग ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के लीडरान और मेम्बरान हैं। यहाँ पर हम लोगों के एक लॉन्ग पेंडिंग इशू पेंशन अपडेशन चल रहा है जो पिछले 25 साल से पेंडिंग है और हम यहाँ से एक मुहिम पैदा करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं गोरखपुर से, क्योंकि पुरानी वो रही है यहाँ की रवायत कि ये जो हमारी पेंशन अपडेशन है ये हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो 25 साल पहले रिटायर हुए थे उनको पेंशन आज भी वही मिलती है जो 25 साल पहले मिलती थी। ये हमारा बहुत जिनसे पेंडिंग लंबित वो चल रहा है और अब हम इस वक्त उसमें पूरे उस पर हैं। हमारा एजुकेशन शुरू हो चुका है और ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग 2.5 लाख रिटायरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सब बैंकों के हैं, सब कैडर के हैं, हमारे यहाँ जनरल मैनेजर्स भी हैं और चपरासी भाई भी हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र शीघ्र ये सरकार वो इस बात को सुने कि जो लोग सफ़ेद बालों वाले हैं इनके काम भी सुने, उनकी बातें भी सुने, इसलिए हम लोगों ने शुरू किया है। आज यहाँ से हम चाहेंगे कि एक मुहिम जो है शुरू हो और वो आगे तक बढ़ती चले। चुनाव के अंदर हमारा कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी राजनीति सिर्फ हमारी पेंशन है, हमारी राजनीति हमारी पेंशन, हम किसी भी पार्टी से किसी भी खास ग्रुप से संबंधित नहीं हैं। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के तो यहाँ पर बैठे हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर में सभी बैंकों के रिटायरीज हैं। हमारा कोई किसी से राजनीतिक वो नहीं होता है, ना हम किसी राजनीति से चाहते हैं। हमारे लिए कांग्रेस भी वैसी है, बीजेपी भी वैसी है और लेफ्ट और राइट सब एक जैसे हैं। हमें तो हमारे इशूज जो हैं, हमारा जो मेन है पेंशन अपडेशन का, वो किसी तरीके से कराना है।